नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज भी हमारा तबीयत उसी तरह का है। कल शाम को खाया दवा तो ठीक हो गया था, 12-1 बजे के आसपास पसीना से पूरा गीला हो गया था, बुखार उतरा था और ये भी दर्द बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही 3:30-4 बजा है तो फिर चालू हो गया। उस समय से फिर दर्द कर रहा है मुझे। थोड़ा सा आया हूँ छत पे तो दर्द बहुत कर रहा है, चला नहीं हो रहा है, यानी कि सीधे दर्द कर रहा है, पूरा हाथ पैर शरीर पूरा, माथा उठा गर्दन उर्दन सारा चीज़ दर्द कर रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और ये वाला थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, 4 बजे के आसपास ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम दर्द कर रहा है। खाना खाते हैं, मुँह चलाते हैं, बोलते हैं या खाना खाते हैं तो और ज़्यादा दर्द करता है। ये वाला गलसोध हुआ है, वो गर्म पट्टी साटे हुए हैं तो आराम है, बोलते हैं तो दर्द करने लगता है ज़्यादा करके, खाते हैं तो चला नहीं होता है। चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, तब तक अभी कब तक रहेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी मॉर्निंग के अभी 7:15 हो रहा है और अभी जो है ना इधर अठजाम हो रहा है किसी का, तो उसी का आवाज़ आ रहा है, तो चलते हैं अभी, थोड़ा सा सोते हैं, आराम करते हैं क्योंकि चला नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी 9:15 हो गया है और इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि उठने का मन नहीं कर रहा है, अभी सोया ही हुआ। 6:30-7 बजे उठा हूँ, सोया हूँ, उस समय से सोया है और ये वाला बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फूल गया है। कल फूला हुआ था, उससे ज़्यादा फूल गया है और माथा उठा सब दर्द कर रहा है, पूरा शरीर टटा रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा देर दर्द कर रहा है। और दोस्तों धूप भी आ गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, खिड़की इधर पौधे से नहीं दिख रहे हैं आज। दवा खाते हैं, खाना भी बना है कि नहीं बना है, खा के फिर दवाई खाएंगे, फिर देखते हैं। ऐसा होता है कि दोस्तों दवा खा लेते हैं तो 3-4 घंटा तक आराम रहता है, उसके बाद फिर आ जाते हैं। दोस्तों अभी खाना खा लिए और बुखार जांच रहे हैं, थर्मामीटर लगाए हुए हैं, देखते हैं बुखार कैसा है। बुखार तो होगा ही क्योंकि मथा उठा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, देखते हैं कैसा है बुखार। एक सौ दो डिग्री बुखार है दोस्तों। चलते हैं दवा लेकर आएंगे। दोस्तों फिर दवाई लेकर जा रहा हूँ, 2 सुइया पड़ा है और बोला है कि एक खून को सुइया रोज पड़ेगा तो 3 दिन सुइया और पड़ेगा। ये वो सुइया दोस्तों 180 रुपये का है, तो 3 दिन सुइया पड़ेगा 3 गो, और पैसा कितना भी खर्च है लेकिन ठीक हो जाना चाहिए दोस्तों जल्दी से। और दोस्तों घर पे बुखार चेक किया हूँ अपना से, तो 102 डिग्री था क्योंकि जल्दी निकाल दिया था, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा देर लगाया हूँ, 104 डिग्री बुखार था। तो अभी तो 2 सुइया पड़ा है, एगो कुल्हा में एगो नस में। कुल्हा वाला तो दर्द नहीं किया है, लेकिन कुल्हा वाला दर्द बहुत किया है, नस वाला नहीं किया है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ऐसे बोल रहा था 2 गो रोज पड़ेगा सुबह शाम सुइया, लेकिन बोला कि ये दिए हैं सुइया, इससे अगर आराम रहेगा तो एक खूने को रोज देंगे, नहीं तो 2-2 गो लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, 10:30 हो रहा है अभी, देखते हैं आराम होता है कि नहीं, कितना बजे तक आराम होता है। सुइया पड़ेगा तो आराम पड़ा है तो आराम तो होगा ही। तो चलते हैं, 400 का भी दवा हुआ है फिलहाल, चलते हैं थोड़ा सा उधर से घूम के आते हैं। वीडियो अपलोड किया हूँ अभी हुआ नहीं है, 10:30 हो गया है, फिलहाल चलते हैं वीडियो अपलोड करते हैं सही से। कल वाला घर पे नेट नहीं रहता, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। ज़ोर से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना तो दुखाने लगता है, ये गलसोध गर्दन। तो चलते हैं फिलहाल वीडियो अपलोड तो करते हैं, आ गया हूँ यहीं पे वीडियो अपलोड करते हैं सब। तो चलते हैं, इस पुल पर बैठते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे अपलोड करते हैं
और दोस्तों इधर देखते हैं पाइप बिछाया हुआ है और कब्रगाह का बाउंड्री घेरा रहा है ना, उसका काम चालू है। तो ये पंचायत कचरा वाला घर है, यहीं पे कॉल है, देख सकते हैं यहीं पे मोटर लगा के अब पानी का व्यवस्था यहीं से कर रहा है बिछा करके। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के जल्दी से वीडियो अपलोड कर लेते हैं। 10:30 बजे पहुँच गया है तो अभी वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा लेट से जाने वाला है, 11 बजे पब्लिश करेंगे। थोड़ा सा रुक के वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं। उधर से जिधर गया था वीडियो अपलोड करने, उधर से आने के बाद दवा खा के सो गया हूँ। अभी देखते ये ज़्यादा फूला हुआ है और पसीना खूब चला है, पसीना से पूरा गीला हो गया। अब थोड़ा हौला है, अब आराम है पूरा शरीर। कितना टाइम हो रहा है? 2:30 बजने वाला है, तो 2:30 बजे अच्छा हुआ, पूरा ये पूरा गीला हो गया है, सब गीला हो गया पसीना से, बहुत ज़्यादा पसीना चला है, फूल गया बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहा है और अभी जो भी दर्द हो रहा था वो सब ठीक है। अभी ये भी दर्द हो रहा था ये भी ठीक है, और पूरा शरीर दर्द कर रहा था वो भी ठीक है, लेकिन मन अभी थोड़ा थोड़ा भारी है। और अभी थोड़ा सा चलते हैं, कुटी काटते हैं, पगार है उसको कुटी काट के भैंसी को देना है, तो चलते हैं कुटी काटते हैं। और अभी 4 बज रहा है, इस समय का व्यू देख सकते हैं, बादल जैसे लग गया है। चलते हैं फिलहाल काटते हैं कुटी। कुटी काट लिया दोस्तों, और इधर भैंसी को भी दे दिया, भैंसी को पारी को उधर, इधर इसको इसको भी दे दिया। और पगार इधर का ख़त्म हो गया, कुटी काट दिया। तो आज का हमारा खाना यही है, देख सकते हैं भोज है, शादी था ना तो उसी का भोज है, तो और आदमी सब भी खा रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ घर और भोज खाने गया हुआ था, हनुमान आराधना था और साथ ही साथ भोज भी था, शादी का भोज है, शादी है तो हनुमान आराधना भी हो रहा है, उसी का हजाम भी हो रहा है हुआ है, और आज भोज भी था तो भोज खाने गया हुआ था। तो आगे भोज खा के चलिए अभी चलते हैं सोते हैं। और दोस्तों अभी आराम है, शरीर देह हाथ बहुत दर्द कर रहा था वो सब ठीक है, ये भी अभी ठीक है, लेकिन अभी जो है ना बुखार जब रहता है तो खाना का टेस्टी पानी का टेस्टी बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, खट्टा जैसे लगता है, पानी खाना सब कुछ बेकार जैसे लगता है, तो वो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अभी दर्द उर्द जो हो रहा था वो सब ठीक है। अभी टाइम दोस्तों अभी हो गया है 7:45, देखते हैं कल सुबह कैसा रहता है, मिलते हैं फिर कल सुबह। आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, कल सही रहेगा तबीयत, मुझे पूरा उम्मीद है आशा है कि सही रहेगा, क्योंकि दवाई खाया हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ है पैसा, तो पूरा आशा है कि कल ठीक ही रहेगा ऊपर वाले की कृपा से। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, कैसा तबीयत रहता है, चलेंगे फेरी पर, अच्छा तबीयत रहेगा तो मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।